तो वो भी गया। ओ एच नेगेटिव। और कितना एच टू ओ गया? एक एच टू ओ भी गया। अब देखो चलो क्या बचा, यहाँ से बचा, बताओ क्या बचा? बता दिया करो तो बच्चों, एच टू, यहाँ से बचा हाफ ओ टू, वहां से बचा, अब वही तो बच्चे कछु है ही नहीं है। तो देखो बच्चों यही तो हुआ है, H2 और O2 जली, मिलके जली है, पानी बना है एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, इतनी सी रिएक्शन है। पानी बना देना आप रेडॉक्स रिएक्शन, ले लो हो गए। जे थी मैकेनिज्म, और ये सिंपल, H2 यहाँ से गई, O2 यहाँ से गई, जली जल्दी से तैयार करो इतना। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर सबसे बेस्ट तो है कि दोनों में पैलेडियम कर लो, पैलेडियम से अच्छा तो कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। नहीं सर, दोनों एक ही इलेक्ट्रोड होंगे तो इलेक्ट्रॉन देंगे सर, ये वाले इलेक्ट्रॉन। ये तो इसमें क्या है ना, यहाँ से कोई, हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर एनर्ट इलेक्ट्रोड लगाए हैं। एनर्ट इलेक्ट्रोड सिर्फ जब लगाते हैं जब सिर्फ हमें करंट फ्लो करना हो और कोई काम नहीं करना हो, तो इसमें सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना था, इसलिए ग्रेफाइट की रॉड लगाइए। अगर कुछ और काम होता, मान लो इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी होती हमें, तो बात अलग होती। हमें सिर्फ इसमें एक एनर्ट इलेक्ट्रोड लगाना था, लगा सकते हो, दूसरे भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हम आपको वो बता रहे हैं जो फ्यूल सेल में बनाया जाता है, जो किया जाता है।
क्या था ये सेल? इट इज वन टाइप ऑफ, इसमें क्या बेस आपको अपनी लैंग्वेज में याद रखना कि जो कंबस्टन से जो एनर्जी मिलती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एनोड और कैथोड दोनों फ्लोरस ग्रेफाइट के होते हैं, उनमें कुछ मेटल भरे होते हैं, पीटी पीटी गोल्ड। इलेक्ट्रोलाइट क्यों वो होता है? ई सेल का वोल्टेज क्या होता है? आपको ये ध्यान रखना कि पहले में बनाने हैं दो वाटर के मॉलिक्यूल, और दो वाटर के मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको H2 और OH की हेल्प लेनी है। तो H2 और 2OH नेगेटिव ले लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि यही 2OH नेगेटिव फिर से बना लेने हैं, और यहाँ से लिया H2 और यहाँ से लिया हाफ O2 और दो इलेक्ट्रॉन। खत्म बच्चों, बस लास्ट की एक दो लाइनें और लिख लो, डालो इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल, इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल तो पहली बात ये पॉल्यूशन फ्री है, दिख रहा कहीं कोई पॉल्यूशन निकलते, वाटर बन रहा है ना, तो पॉल्यूशन फ्री है। तो डाली हेडिंग लिखिए पॉल्यूशन फ्री, हाईली इफिशियंट है, मतलब जितना फ्यूल डालोगे उसमें से 70-75% वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है। और ये आपके जो ये वाले सेल रहते हैं ना, इनमें पूरा इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी यूज हो पाता है, कुछ तो बेकार चला जाता है। तो पॉल्यूशन फ्री है, यही सबसे खास बात है, हाईली इफिशियंट है, काफी इनकी दक्षता बहुत अच्छी है, मतलब जितना फ्यूल डालते हो उसका 70-75% इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताते थे। लाइफ अच्छी है इनकी, लॉन्ग लाइफ है। दूसरा एक और खास बात है, ये एनर्जी में कोई रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी में इनके कोई रेजिस्टेंस नहीं आता, जब तक फ्यूल जलता रहेगा तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहेंगे, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी टिल फ्यूल इज प्रेजेंट, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी टिल फ्यूल इज प्रेजेंट। देखो अब तो लगभग हर सैटेलाइट हो गया और स्पेस स्टेशन हो गया, उसमें फ्यूल सेल ही यूज किया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो फ्यूल सेल यूज किया गया था वो अपोलो मून शटल या अपोलो मून स्पेस स्टेशन जो था उसमें यूज किया गया था। तो इसको स्टार लगा के लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार लगा के पॉइंट लिख लो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल वॉज यूज्ड इन अपोलो मून शटल और अपोलो मून फ्लाइट या अपोलो मून स्पेस स्टेशन, जो आप लिखना चाहो। चलो बच्चों फ्यूल सेल खत्म, पढ़ लो और डाउट पूछो जल्दी से, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। कोरोजन, पानी चाहिए, हाँ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब जो कोई चीज स्पेस पे जा रही है। अच्छा आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं जा सकता, और जो हमारे रॉकेट्स होते हैं वो तो स्पेस में चले जाते हैं, एरोप्लेन नहीं, इतना तो पावरफुल उसमें इंजन लगा है कि वो पार कर जाएगा, एरोप्लेन ज्यादा बड़ा। अच्छा दोनों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है वो फ्यूल ही है, उसी फ्यूल से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है दोनों में ही, और फ्यूल को कंबस्ट होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन।
और स्पेस में कहीं से लेके कहीं तक कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो जो फ्यूल को कंबस्ट होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो स्पेस में नहीं मिलेगी, इसलिए एक रीजन है, इसलिए एरोप्लेन स्पेस में नहीं जा सकती। फिर दूसरा क्वेश्चन, रॉकेट भी तो स्पेस में जाते हैं, उनमें भी तो कंबस्टन ही होता है, उनको भी तो ऑक्सीजन ही मिलेगी। तो रॉकेट में कंबस्टन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनके साथ ही डाले जाते हैं, उनके साथ ही, उनको स्पेस से ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पर उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिस उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है, फ्यूल आपका करता है। एक ये जो मेन कारण है कि आपके एरोप्लेन वगैरह स्पेस में नहीं आते, क्योंकि इनमें जो फ्यूल होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह एक रीजन होता है। चलो जल्दी से याद कर लो, फ्यूल सेल से हम स्टार्ट करते हैं।